हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्कॉर्पियोज, लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहने वाला है बाकी का महीना आप लोगों के लिए। लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं क्या होने वाला है 15 से लेकर 31 तक। मेजर शिफ्ट, आप लोगों को अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा चेंज फील होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हो राइट नाउ, जिसकी वजह से आपको एक अनसेटलिंग सी एनर्जी फील हो रही होगी अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम ऐसा है जो आपको आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इवॉल्व कर रहा है। आपकी थॉट्स, आपकी वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, आपके अंदर एक काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद आप कभी फेस नहीं करने के लिए रेडी थे, वो सारी चीज़ें आप फेस करो। कहीं ना कहीं आपने अगर कोई मास्क पहने हुए थे इमोशनली अपने आप को छुपाने के लिए, मुझे लगता है कि वो सब एक ब्रूटल रियलिटी जो है वो आप फेस करने वाले हो, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो अदरवाइज आपकी लाइफ में है। लेकिन डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ आपके अंदर बदल रही है जो कि आपको आपके सारे मास्क आपने जो पहने हुए थे, इसके लिए फलाना मास्क, उसके लिए फलाना मास्क, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी जो इनर यू हो, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, अपनी डिज़ायर को, अपनी नीड को, अपनी थिंकिंग को, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे। बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग एनर्जी है आपकी, स्पेशली ये जो स्टार्टिंग का जो टाइम होगा 15 से लेके, हो सकता है 17-18 तक का, ये जो एनर्जी है या आप इस तरह की एनर्जी से अपनी लाइफ में फील करोगे, जो कि आपको बहुत बदलेगी हर लिहाज से, लव लाइफ में भी, घर के मामलों में भी, और सारी चीज़ों को लेके आपके पर्सपेक्टिव जो हैं वो बदलने वाले हैं। मेजर शिफ्ट है विद इन यू, आपकी सर्कमस्टांसिस जो हैं वो आपके चेंज होने के बाद बदलेंगे, लेकिन मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में फील कर रहे होगे स्टार्टिंग में। काफ़ी सारा लोगों के लिए बहुत टॉक्सिक रहेगा ये साइकिल, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो आप इससे बहुत अच्छे से डील करते हुए इसमें से सीख के चीज़ें निकलोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा बदलने वाले, बहुत ज़्यादा बदलने वाले, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। जैसे अगर आप अपनी लव लाइफ से भाग रहे थे, उसके लिए आप प्रिपेयर होकर अपनी लव लाइफ को परसू करने के लिए। अगर आप काम से भाग रहे थे और आपको लगेगा कि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, तो कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है स्टार्टिंग में 15 से लेकर 17-18 तारीख में ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आप प्रिपेयर्ड होगे, अपने आप को रेडी फील करोगे कि अब आप अपनी लाइफ को बेटर वे में, मेच्योर वे में डील कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस हाइड नहीं करोगे, जहाँ पे आप उनको एम्ब्रेस करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। यू विल फील प्रिपेयर्ड, आपको लगेगा कि नाउ आप रेडी हो चीज़ों को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो वो उस तरह का चेंज आपके अंदर डेफिनेटली आने वाला है, मेजर चेंज है आपके लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। जस्टिस, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो मास्क आप उतार रहे हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होगे अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, और शायद अब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, मुझे अपने लिए भी जीना है। सो वो चीज़ आप अपने लिए जीने के लिए आप अपने आप को लगो, आपको लगेगा कि नाउ यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप अपने लिए डिसीजंस ले सको, और आपको खुद के साथ जो जस्टिस करना है वो आप कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं जब आप खुद के अंदर ये चेंज लेकर आओगे, तो लाइक आई सेड ना कि आपके आपके आउटर वर्ल्ड बदलेगा ऑटोमेटिकली। जब आपके अंदर खुद के अंदर बदलाव आएगा, चेंज आएगा, आपका आउटर वर्ल्ड जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए वो भी बदलेगा, और फिर आपको अपनी लाइफ में जस्टिस मिलेगा, जो कि शायद आप काफ़ी टाइम से शायद अपने साथ भी नहीं कर पा रहे थे और लोगों के साथ भी नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिफ्ट होगा आपकी लाइफ के लिए ये, जो कि लव लाइफ में भी हो सकता है, काम में भी हो सकता है, और फाइनेंशियल मैटर्स को भी लेकर हो सकता है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, अगर आप काफ़ी टाइम से अपनी लव लाइफ को परसू नहीं कर रहे थे, फॉर अगेन जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में डील कर रहे थे उनकी वजह से, अब आप अपने आप को फील करोगे कि अब आपको उस जगह जाना है जहाँ पे शायद आप काफ़ी टाइम से जाना चाह रहे थे, लेकिन आपके मास्क जो आपने पहने हुए थे, इसका भी ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखना, ये भी देखना है, वो भी देखना है, अब आप सब छोड़ दोगे, क्योंकि आपको अभी सिर्फ अपना देखना है, आपको सिर्फ अपनी अपनी खुशी, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट देखनी है, और वो आपको कहाँ से मिल रही है, आपकी लव लाइफ से।
आपकी लाइफ में जो एक अनसेटलिंग जो वाइब है वो 17-18 तक थोड़ी काम डाउन हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी लव लाइफ में वापस जो है वो चेंज लेकर आओगे, जो आपको खुशी दे, जो आपको इनर पीस दे, और उस तरफ आप अपना कदम बढ़ाओगे. सो मुझे लगता है कि इट विल बी यू टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ये भी पॉसिबल है. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, 10 ऑफ सोर्ड्स. ये एनर्जी बहुत जल्द खत्म होनी है. 17-18 तक मैक्सिमम आपको ये एनर्जी जो है, जो नेगेटिविटी है, जो एक हैवी एनर्जी है आपकी लाइफ में, वो खत्म हो जाएगी. लेट्स सी लास्ट कार्ड, देयर यू गो. अगर आप काम में बिजी थे तो मुझे लगता है कि आप उस काम से फारिग होकर आपको कितनी रिलैक्सिंग एनर्जी फील होगी. आपको लगेगा कि नाउ यू आर डन विद द शिटी थिंग. जब आप उससे डील कर जाओगे तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट फोकस या नेक्स्ट गोल जो होगा आपकी लव लाइफ होगा, जिसको आप परस्यू करोगे 15 से ऑनवर्ड्स के टाइम में. तो मुझे लगता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग मंथ है वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर, और बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आएंगे आपकी लव लाइफ में आपके स्पेसिफिक समवन के साथ. हो सकता है कि आपने अपने आप को ऑलरेडी बताया हो कि बस मैं ये चीज़ कर लूँ, या अपने पर्सन को भी शायद बताओ जस्ट गिव मी स्पेस, मैं ये सब डील कर लूँ और फिर मैं आपका हूँ. हो सकता है कि ऐसा आप ऑलरेडी अपने पर्सन को बता चुके हो अगर आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है. अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को परसू करना चाहोगे आफ्टर दिस. ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 15 से लेके 20 तारीख तक का टाइम हो जो आप इसमें डील करोगे, और उसके बाद का जो 10 दिन होंगे, जो आखिरी 11-10 दिन होंगे, उसमें आप अपनी लव लाइफ को परसू करोगे और वो चीज़ें करोगे जो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको स्टेबिलिटी ऐड करें. तो काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि शादी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्पेसिफिक समवन, उसको कंसिडर करें, और उसको सारा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी लव लाइफ को दोगे बाकी के महीने के अंदर, 20 तारीख के बाद. सो या ये थी आपकी लीड विद टैरो. देखते हैं और का मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए. गिव स्पेस, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस. लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स. मुझे लगता है कि आप अपने आप के लिए स्पेस ले रहे थे अपनी लव लाइफ से राइट नाउ. जब अभी इवन के जब हम रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में लगे हुए हो. वंस यू आर डन विद इट, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन को परसू करोगे, और आपको लगता है कि ये आपके पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो आपको स्पेस दे, आप उनको स्पेस दो जब उनको ज़रूरत हो. लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि अभी आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन ये सेकेंड हाफ में जो है वो आपको फील होगी. और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो इस कार्ड से बहुत क्लियर है कि आपके दिल में इस इंसान को लेकर, एक जो भी आपकी लाइफ लव लाइफ में है, एक स्पेसिफिक समवन, उसको लेके आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं जो कि आप हाइड करते हो. क्योंकि आपका मानना यह है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपको उसके साथ चिपक के नहीं रहना है. यू बिलीव इन द अदर काइंड ऑफ लव, जहाँ पे आप स्पेस देते हो, जहाँ पे आप उसको उसकी लाइफ जीने देते हो, अपनी लाइफ जीना चाहते हो. लेकिन हो सकता है कि आपका पर्सन इस तरह का नहीं हो, उसको और तरह की कनेक्शन में चीज़ें चाहिए. शायद इसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में, हो सकता है कि वो ऐसा पर्सन है जो क्लेम करता है हर चीज़, कि अगर आप प्यार करते हो तो ऐसे क्यों नहीं करते, ये करते हो तो ऐसे क्यों नहीं करते. तो वो चीज़ हो सकती है, आप दोनों के अंदर डिफ्रेंसेज होंगे. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका कनेक्शन में स्पेस दी जाए एक दूसरे को, तो आप लोगों का कनेक्शन ज़्यादा स्मूथली जो है वो चल सकता है. लेट्स सी मोर गाइडेंस, देखें और मैसेजेस क्या हैं. Gifts from God, we angels bring you gifts from Creator, open your arms to receive. आपकी लव लाइफ में और आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इस टाइम के अंदर, जो कि हेवनली गिफ्टेड होंगी आपके लिए. काफ़ी हद तक जो चीज़ें आपकी आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि आपको जस्टिस नहीं आप कर पा रहे हो अपने साथ, अपने पर्सन के साथ, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जिसमें आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो सही हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, और आपकी हर चीज़ विल फॉल इन टू प्लेस. तो कहीं ना कहीं आपको हेवेंस की तरफ से जो है वो ज़रूर एक सपोर्ट रहेगा इस टाइम में, और आपको अपनी लव लाइफ में जो है चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी, बल्कि ओवरऑल आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी. सो बी रेडी टू रिसीव द अबंडेंस जो आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगी आने वाले बाकी के महीने के अंदर. लेट्स सी मोर कार्ड्स. शीप ऑफ अनलीश द वाइल्ड विदन. हाँ, अगेन सेम मैसेज. आप इट्स मोर लाइक ये फेसिंग योर ओन इनर सेल्फ. आप क्या हो, डीप डाउन आप क्या हो, उसको एम्ब्रेस करो. इमोशंस, फीलिंग्स, लव, पैशन, हर वो चीज़ जो आप जिससे भाग रहे थे उसको आप फेस करोगे इस आने वाले टाइम के अंदर. सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय.